Assalamualaikum my beautiful YouTube family, welcome to my channel. उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर सर बीमारी से महफूज रखे, आमीन। लेके आई हूँ जी ज़बरदस्त वीडियो, क्योंकि ईद अराउंड द कॉर्नर है और आप लोग सब जो है वो अपनी ईद की तैयारियों में मसरूफ होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि ईद रिलेटेड एक ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो शेयर की जाए कि आप लोग कैसे अपने सिंपल ड्रेसेस को बहुत ज़्यादा एलिगेंट बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनको स्टाइल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को, और सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना ये वाला आउटफिट दिखाऊंगी जो कि मैंने पहना हुआ है। इसकी कंप्लीट लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सिंपल ड्रेस है जी, लॉन का टू पीस है, निशात लिलन से मैंने बाय किया है, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट इसका प्रिंट है और इसका मैंने शॉपिंग हॉल भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप लोग इसकी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर वो वाली वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी में आप लोगों को ऐसा कि हल्के फुल्के ड्रेसेस चाहिए, लेकिन हल्के फुल्के होने के साथ आप लोगों की एक एलिगेंट, आप लोगों की प्रॉपर लुक भी क्रिएट होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी कि आप लोग अपने सिंपल लॉन के जोड़ों को किस तरह से एलिगेंट बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि मैंने इस वक्त जो दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, इसकी पाइपिंग कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, और मैं आप लोगों को सारी एक्सेसरीज भी बताऊंगी, लाइक यू कैन सी कि मैंने अपने हाथ में बहुत मिनिमल सी चीज़ें पहनी हुई हैं, बहुत ही लाइट चूट भी मैंने पहनी हुई है। और अगर आप लोग मेरे काम को भी देखेंगे तो मैंने बहुत लाइट सा जो है वो इयर रिंग्स पहने हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपनी एवरीडे लुक को जो है वो मेंटेन, और ईद पे स्पेशली आप लोग अगर बहुत अच्छा लगना चाहते हैं तो क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। सबसे पहले इसी जोड़े को मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस वक्त मैं किस तरह लग रही हूँ, ओवरऑल मैं अपनी पूरी लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत मिनिमल चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है जी। ये पेंडेंट मैं हर रोज पहन लेती हूँ, और ज्वेलरी में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बहुत लाइट से इयररिंग्स पहने हुए हैं, और ज़रूर अपने बालों को भी जो है वो किया करें। इस तरीके से आप लोग अपनी ओवरऑल लुक क्रिएट कर सकते हैं। आप मैं शेयर करूँगी जोड़े की डिटेल, और इस सारी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर करूँगी जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही मिनिमल है। जी आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मैंने हाथ में बिल्कुल थोड़ी सी एक्सेसरीज पहनी हुई हैं। इस रिंग का मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। अच्छा जी, मेरे सूट में कलर है जी ये वाला, देखिए जी, और इसको मैंने चीता प्रिंट के साथ पाइपिंग करवा रही है, बहुत एलिगेंट लग रहा है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों के हाथ जो हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। कुछ बेसिक टिप्स मैं आप लोगों को देती जाऊँ, अगर आप लोग क्यूटिक्स यूज़ करें तो वेल एंड गुड, वरना आपके हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए। नंबर टू पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखी जाती है वो है आपके पैर, आपके पैर भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। और ये देखिए जी, ये कुछ मेरी ओवरऑल सी लुक, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने इसको किस क्लच के साथ स्टाइलाइज किया है। और ये देखिए जी, जैसे मेरी पाइपिंग का वो है, लकीली मेरे पास ब्लैक एंड वाइट में ये अच्छा सा क्लच था, ठीक है, हैंडबैग, इसको मैंने कैरी किया है साथ। और अब शेयर करते हैं सूट की ओवरऑल डिटेल्स को। सिंपल सा ये सूट है, निशात लिलन से मैंने ये लिया था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एलिगेंट है। और साथ में एक और सूट की भी डिटेल्स आप लोगों को शेयर करूँगी। इन दोनों को साथ शेयर करने का मकसद है इनकी कॉमन पाइपिंग, जो कि अभी मैं शेयर करूंगी, और बाकी सारे सूट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत प्रिंटेड ये सूट है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और निशात की वीडियोस जिन लोगों ने नहीं देखी हैं वो जाके देखिए, बहुत ज़बरदस्त इनकी लॉन आई हुई है, और तकरीबन हर रेंज का वहाँ पर जोड़ा मौजूद है। आप लोग अपनी चॉइस और पॉकेट के अकॉर्डिंग वहाँ से ज़बरदस्त शॉपिंग कर सकते हैं। ये वाला सूट इनके टू पीस सेक्शन में से लिया है, एंड इट्स अराउंड अबाउट 3500, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंट इसका सूट है, इसका प्रिंट है, सॉरी। और ये देखिए जी, मैंने ज़बरदस्त सी इसके साथ जी पाइपिंग करवाई है, और सारी बात इसकी पाइपिंग के कपड़े में है, ठीक है। बहुत खूबसूरत ये टेलर ने मुझे स्टिच करवा के दिया है, क्योंकि ये सी थ्रू था तो इसके नीचे मैंने लाइनिंग अटैच करवाई है। और ये देखिए जी, ये वाली पाइपिंग, आप लोग जब मार्केट में जाते हैं तो इस तरह जो आप लोगों को टाइगर प्रिंट का या लाइंस में कपड़ा नजर आता है सिल्क का, तो सिंपल अपने कपड़ों के साथ सिर्फ आप लोग सिल्क की पाइपिंग मत करवाया करें, इस तरह के कुछ प्रिंटेड ऑप्शंस भी रखा करें। क्योंकि ये देखिए आप, इसके साथ कितना ज़बरदस्त ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है। और जो इसके कलर थे सूट के, उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये लग रहा है। इसका दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, सारी इस सूट की जान इसके दुपट्टे में है।
चूँकि दुपट्टे की साइड पे ये हल्की सी फट्टी बनी हुई थी लाइट से कलर की, तो मैं उसको ख़त्म नहीं करना चाहती थी। मैंने इसके साथ ख़ुद से पाइपिंग की है और ये पाइपिंग नॉर्मल धागे वाली पाइपिंग नहीं, मैंने इसको थोड़ा सा मोटा रखा है और ताकि ये ऊपर से भी विजिबल हो। और ये देखिए जी, इसको जितनी इसकी बाउंड्री थी मैंने उतना ही चौड़ा रखा है, इसको मज़ीद चौड़ा नहीं किया है। और नीचे से फिर मैंने इसको ज़बरदस्ती तरपाई कर दी है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसके अगर आप लोग नीचे उसके बॉर्डर की बात करें तो उसमें मैंने थोड़ी सी बूट पाइपिंग की है ताकि वो बाहर से विजिबल हो। वैसे तो मैं पूरे दुपट्टे पे बूट पाइपिंग कर सकती थी, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसलिए इसको जितना लाइट रखा जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो दिस वॉज माई ओवरऑल लुक इसके सूट की, कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और पहन के भी मैंने आप लोगों को दिखाया है, सारी बात आप लोगों की कैरी करने की होती है, आप लोग किस तरीके से कैरी करते हैं। आते हैं सूट नंबर टू पे, बहुत ही हल्का फुल्का से ये भी सूट है। मैंने ये खाड़ी से लिया था और इसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। बहुत ही एलिगेंट इसका प्रिंट है और सारा प्लेन इसका ट्राउज़र है। ये सूट मुझे क्यों पसंद आया था, एक तो इसका प्रिंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसका सारी जो इसकी भी जान है वो इसके दुपट्टे में है। शटर नेट का इसका दुपट्टा है, बहुत ही खूबसूरत हल्का फुल्का सा है, लेकिन इन दुपट्टों को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना होता है क्योंकि इसकी एक तार खींच जाए तो ये बहुत ज़्यादा इसमें ख़राब हो जाता है। सिंपल इसके दुपट्टे के साथ मैंने कुछ नहीं किया है, उसकी जो अपनी बाउंड्री बनी हुई थी उसको मैंने अंदर तरपाई कर दिया है। फॉर गॉड सेक जी, आप लोग पीको करवाना छोड़ दें दुपट्टों को, क्योंकि पीको से बहुत बुरी लुक आती है। और इस तरीके से दुपट्टे को जो है वो अगर आप लोग कुछ पाइपिंग नहीं भी लगाना चाहते हैं उसी की अपनी किनारी को मोड़ के आप लोग तरपाई कर दिया करें। और देखिए जी, सिंपल राउंड नेक विद स्लिट है और जो पाइपिंग का कपड़ा है उसी के मैंने बटन्स बनवा लिए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। स्लीव्स इसके थोड़े अलग से प्रिंट में हैं और शर्ट ओवरऑल अलग प्रिंट में है, बहुत ही एलिगेंट लग रहा है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और अब आते हैं जी इसकी पाइपिंग पे भी, ये देखिए जी, ये मैंने ब्राउन कलर में परचेज किया और पहले वाले की भी आप लोगों ने देखी है पाइपिंग, तभी ये दोनों सूट मैंने आप लोगों को साथ साथ दिखाए हैं। समर्स में मुझे तो बहुत सिंपल डिज़ाइनिंग पसंद है और मैं उसको पॉपअप करती हूँ अपनी पाइपिंग से ही, ठीक है जी। तो आप लोग भी इस तरीके से काम किया करें अपने कपड़ों के साथ, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करवाने की या बहुत ज़्यादा चीज़ें लगवाने की कपड़ों पर ज़रूरत नहीं, क्योंकि गर्मी होती है और गर्मी में आप लोग इतना ज़्यादा कुछ कैरी नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को हल्के फुल्के कपड़े ही सुकून देते हैं। अच्छा जी, वीडियो के एंड में मैं अटैच कर दूंगी कि इस सूट को मैंने कैसे कैरी किया है, अपनी पिक्चर्स अटैच करूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। सो दिस वॉज माई टुडेज़ वीडियो एंड दिस वॉज माई ओवरऑल लुक इन दिस ड्रेस। आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।